हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ अलीशा। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ एक गार्डनर और आज का जो व्लॉग है वो गार्डनिंग के रिलेटेड है। हाँ, दोपहर में व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया था। आइडिया क्या है दिखाती हूँ आपको, और आप भी बताइएगा कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं क्या आपके दिमाग में भी इसी तरह के आइडियाज़ जब भी मन करता है तभी आ जाते हैं और आप तब भी छत पर चढ़ के वो सारे काम करते हैं। तो मैंने कुछ काम किए हैं गार्डन की, कुछ अपडेट आपको दूंगी इस व्लॉग में। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, ये व्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होगा, इससे जो एंड वाला पार्ट है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो भी आप चेक कीजिएगा। तो अभी तो मैं जो खुरापात करने आई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना गाइज, शिमला मिर्च के सीड्स हैं जो मैंने ना घर से ही निकाले थे, तो वही हैं। और ना मैं इस बैंगन के प्लांट के अराउंड इनको स्प्रिंकल कर दूंगी क्योंकि दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज चल रहे हैं उसके चलते। ये देखिए, पूरे ही सीड्स हैं तो मैं इसी में डाल दूंगी थोड़े से और हाथ से सेट करके ऊपर से कर दूंगी मिट्टी से कवर हल्का हल्का सा। काफ़ी सीड्स हैं, थोड़ी मैच्योर वाली शिमला मिर्च लेनी होगी आपको, फिर ही आपके जो सीड्स हैं वो चलेंगे। कुछ अभी इसमें हैं तो वो मैं ना इस तरह से डालूंगी सीडलिंग ट्रेज में, एक एक करके कर दूंगी ताकि सीडलिंग ट्रे का रिजल्ट भी मुझे पता चल जाए। इसमें जो मिक्सचर है वो है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, साथ में थोड़ी थोड़ी राइस हस्क भी मैंने मिक्स की हुई है। जैसे आप जो है इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो ना ऊपर से और भी मिट्टी डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि कोकोपीट नीचे दब गई है तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। बस इसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा। देखिए, आप ना गार्डनिंग किसी तरह से भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। महंगी सस्ती किसी भी तरह की गार्डनिंग आप कर सकते हैं। ये सारे सीड्स मैंने लगा दिए थे सर्दियों के और उनका अपडेट देखिए, तकरीबन 30-40% को, 30% को छोड़ दे तो बाकी सब में ना थोड़े थोड़े सीड्स आपको दिखेंगे। 3 से 4 दिन हुए हैं अभी और इस कंटेनर में देखिए अपराजिता के फूल बन रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पे गुड़हल के फूल है, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, बिल्कुल सफ़ेद फूल। और ये देखिए, ये ना पॉर्चुला का के 2 अलग कलर थे तो मैंने ना इनको निकाला नहीं, रख लिया क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। उसके बाद सस्ता जुगाड़ अगर आपको बताऊं तो मैं ना डेली किचन वेस्ट भिगोकर जा रही हूँ प्लांट्स के लिए डेली। 4-5 दिन हो चुके हैं मुझे रूटीन में, मैं शाम को किचन वेस्ट भिगो के जाती हूँ, बनाना पील्स, अनियन पील्स और जितने भी सूखे पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये भी है, इनको इसी पानी को मैं सभी प्लांट्स में डालती हूँ, कभी किसी में कभी किसी में। रिजल्ट अमेजिंग है, ग्रोथ देखिए इस प्लांट की। ये फायर क्रैकर का प्लांट है और ग्रोथ देखिए आप, फूल देखिए। सिर्फ किचन वेस्ट डाल रही हूँ मैं, सिर्फ किचन वेस्ट और कुछ नहीं। अच्छे रिजल्ट्स मुझे तो मिल रहे हैं, फूल आ रहे हैं। साइज़ छोटा है लेकिन फूल आने स्टार्ट हो गए तो धीरे धीरे बड़े फूल भी आएंगे। ये देखिए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ना किचन वेस्ट से पूरी हो जाती है। और यहाँ पे कुछ बेजल के सीड्स बन रहे हैं तो आप कर सकते हैं ट्राई किचन वेस्ट का पानी। और ये कुछ ग्रो बैग्स हैं जिनके अंदर मैं किचन वेस्ट डाल रही हूँ, जो बचेगा ना उसमें से वो जाएगा इसमें। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, वेस्ट भी हमारा हेल्प हो जाएगा पूरा गमला भरने में, पानी भी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेक्शन की, यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है लेकिन मैंने ना यहाँ पे गाइस पालक और मेथी लगा दी है। धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। ये कुछ बचा हुआ है कोकोपीट वगैरह, आई नो धूप में पड़ा है लेकिन मैं आज इसको यूज़ कर लूँगी, कुछ सीड्स मुझे और लगाने हैं। और ये ग्रो बैग की मिट्टी देखिए, देखने में आपको हार्ड लग रही होगी लेकिन देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, किस तरह से बनाई है मिट्टी, उसके रिलेटेड मेरी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलेंगे। हाँ, ये उपले भी अपने ही काम आएंगे, दशहरे के टाइम जो आप बनाते हैं वो मेरे ही काम आने वाले हैं। तो ये मेरे गार्डन का ओवरऑल व्यू है पूरा, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है,
धूप देख लीजिए आप, आपके सामने है वेदर कितना तेज़ है, लेकिन हाँ पौधे अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इनको मैं स्ट्रेंथ दे रही हूँ, डेली इम्यूनिटी बूस्टर इनको पिला रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ जो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है ना वो कामयाब हो जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ एक और चीज़ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मीशो से, और वो दिखाती हूँ कैसी आई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए गाइज ये ना कुछ वॉल स्टिकर है जो मैंने मंगवाया था, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, यहाँ पे इसको कर देते हैं सेट से ताकि खुल जाए। बहुत सारे पीसेज हैं, ये देखिए 11 और 12 इस तरह से काफ़ी पीसेज हैं, इनको पीसेज में लगाना पड़ेगा वॉल पे। और इसकी ना जो प्रॉपर पिक्चर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। हाँ वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन आपकी काम आ जाएगा, आपकी वॉल को डेकोरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कैसा है ये साथ में पिक्चर आ रही है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए लिंक इसका तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी, पहला कमेंट पिन कर दूँगी। अभी ना मैं अपना सीड वाला पिटारा खोल रही हूँ, ये रहा, इसमें से मुझे सीड निकालने हैं। किस चीज़ के सीड निकालने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सीड्स हैं, कुछ सीड्स मैंने मतलब खुद ही बनाए हुए हैं घर पे, खुद हार्वेस्ट करे हुए हैं। कुछ जो हैं वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, पूरा कॉम्बो था इनका वो मंगवाया था मैंने, तो अगर आपको चाहिए होगे तो आप ले सकते हैं, लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं लिंक भेज दूँगी। ये देखिए जी सीड्स काफ़ी थे और मुझे ना अभी इसमें से कुछ सीड्स ढूंढने हैं, लार्क्सपर के सीड्स मुझे लगाने हैं, किस तरह हैं के लगेंगे ये और किस तरह के फूल आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये सीड मैं आज लगाने वाली हूँ। चलिए जी लगाते हैं फिर। कुछ सीड्स मैंने हाथ में निकाल लिए, देखिए बस इतने के ही सीड्स मुझे लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। तो आइए जी इन सीड्स को लगाते हैं। ये जो कंटेनर है ना गाइस, इसके अंदर कोकोपीट फिल की हुई है मैंने, तो मैं यहीं पे इन सीड्स को स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने सभी ना ब्लैक कंटेनर्स में ही लगाए हैं सीड्स, तो इसका ये हो जाता है कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने, देखिए पानी बिल्कुल हल्के हाथ से देना है आपको, अगर आपके पास स्प्रेयर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है ना तो इस तरह से आप पानी देंगे, देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे और छाया में रखना है। और अभी मैं इस कंटेनर को हटा दूंगी, यहाँ से रखूंगी कहाँ बाकी कंटेनर्स के साथ यहाँ पे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने इसके अंदर भी सीड्स लगा दिए हैं। और इस स्टिक को मैं निकाल लूँगी और यहाँ लगा दूंगी, क्योंकि उसमें सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं तो वहाँ पर गलती मुझे नहीं लगेगी। तो शिमला मिर्ची के सीड्स लग चुके हैं, लक्सपर के सीड्स लग चुके हैं, बाकी जो लगाऊंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। हाँ जी, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स और मेरी गार्डनिंग की वीडियोस अच्छी लगती हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो इस तरह के मस्ती भरे गार्डनिंग टास्क करना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।